this team, what it has achieved under his belt. And from now onwards, it is just going to be thing what he has already achieved. I just carry forward that. So I don't think it will be any awkward or anything different. दोस्तों, क्या रोहित पहले जैसे टीम के साथ जुड़ पाएंगे? क्या रोहित कप्तानी में हार्दिक की मदद करेंगे? क्या हार्दिक को रोहित की जगह लेकर ऑकवर्ड फील नहीं होगा? क्या रोहित शर्मा को आईपीएल 2024 में कप्तानी से हटाया जाना आईपीएल के सीजन में रह रहकर के खलेगा नहीं? और क्या मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक की कप्तानी में रोहित शर्मा की कप्तानी जैसा परफॉर्म कर पाएगी? दोस्तों, जब से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया है, तभी से क्रिकेट के ढेर सारे फैंस अपने मन में यही सब सोच रहे हैं और शायद आईपीएल की अब तक की सबसे अधिक सर्च और पढ़ी गई न्यूज भी हो। लेकिन इन सब का वाकई में जवाब क्या है, आइए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया के मशहूर गेंदबाज और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हरभजन सिंह भी कभी मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हुआ करते थे और रिसेंटली ही हरभजन सिंह रोहित और हार्दिक के बीच जो सिचुएशन आई है उस पर अपनी राय रखी है और कहा है कि समय बताएगा कि कौन खुश है और कौन नहीं। दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट मीन्स अलॉट, यानी कि कुछ वैसा ही। देखिए, चाहे कोई प्लेयर हो या फिर आर्मी पर्सन, इमोशन तो हर किसी के अंदर होता है। हाँ, कोई किसी चीज से कितनी जल्दी ओवरकम कर लेता है, यही उसके मजबूत और कोई फर्क न पड़ने वाले रूप को शो करता है। लेकिन ऐसा हो गया नहीं और होगा भी तो हमें दिखेगा नहीं, ये हमें से शायद कोई भी नहीं जानता। और ना ही मुंबई इंडियंस के फैंस ये चाहेंगे कि रोहित शर्मा पहले जैसे टीम को सपोर्ट ना करें और ना ही मुंबई इंडियंस के ओनर्स ऐसा चाहेंगे, बल्कि अब रोहित शर्मा की ही जिम्मेदारी बढ़ गई है। हर हाल में रोहित शर्मा को अब सब कुछ अच्छा दिखाना होगा, फिर चाहे अचानक से हार्दिक को लाकर के कप्तान बने जाने की सिचुएशन हो, अपनी टीम को एक और ट्रॉफी दिलाने में टीम की मदद करनी हो या फिर फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना हो। देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की भी इसमें कोई गलती नहीं है, हर कोई बेहतर मौके की तलाश करता है और हम सभी ये जानते हैं कि मुंबई इंडियंस एक संभावनाओं से भरी हुई टीम है। मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाला कोई खिलाड़ी कब फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, इसके कई एग्जांपल्स हैं और शायद हार्दिक पांड्या भी उन्हीं में से एक हैं। हार्दिक ने रोहित के साथ खेला है, मुंबई के लिए खेला है, टीम इंडिया के लिए खेला है और हर मौकों पर अधिकतर टाइम रोहित शर्मा ही टीम के कप्तान रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा है कि आगामी सीजन में रोहित उनके मार्गदर्शक जरूर बनेंगे, वो हमेशा मेरी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। मुंबई इंडियंस ने जो भी हासिल किया है वो रोहित शर्मा के नेतृत्व में ही किया है और मुझे बस इसे आगे बढ़ाना है, वो मेरे कंधों पर अपना हाथ जरूर रखेंगे। जहां तक बात रोहित और हार्दिक पांड्या के खुश और नाखुश होने पर है, तो उस पर हरभजन सिंह ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। दोस्तों, हरभजन सिंह का कहना है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल में एक मजबूत और निडर टीम रही है, वो टीम के हित में फैसले लेने से नहीं डरती है और मुझे यकीन है कि वो विवादों को पीछे छोड़ेंगे और भविष्य के लिए कुछ हल निकालेंगे। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी और भी लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।